दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस क्रॉस वाली लकड़ी की। तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि सर मेरे को ये लकड़ी बनानी नहीं आती, इसका साइज कितना रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपको ये सागौन की लकड़ी है, अगर ये लकड़ी नहीं मिल रही है ना, तो आपको ये पीवीसी पाइप है, नल की फिटिंग वाली आप देख रहे होंगे, तो इनकी भी काफ़ी अच्छी एक क्रॉस वाली ऐसी सीलिंग शॉट बन सकती है। तो इसका वीडियो मैं बहुत जल्द ही ला रहा हूँ आपके लिए। और ये रही अपनी बांस की लकड़ी, अगर ये नहीं मिल रही है तो आप इसकी जगह पर ये सागौन की लकड़ी है, अगर आपको ये नहीं मिल रही है ना तो आप इस पीवीसी पाइप का भी यूज कर सकते हैं, या फिर बांस की लकड़ी आपको आसानी से मिल सकती है। तो बांस की लकड़ी की भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी मजबूत ऐसी क्रॉस वाली सीलिंग शॉट बन जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इसका साइज कितना होना चाहिए। तो ये रहा अपना इंची टेप, और आइए देख लीजिए कि इस लकड़ी का साइज कितना होना चाहिए और जहाँ कट लगना है तो यहाँ का साइज कितना होना चाहिए। तो आइए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जानिए क्रॉस वाली लकड़ी कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों अपन इसका साइज नाप लेते हैं कि इसका साइज कितना है और यहाँ से कहाँ तक कितना कट लगा है। तो ये देख रहे हैं आप, ये रहा इंची टेप, तो इससे अपन साइज नापेंगे। तो ये देखिए ये यहाँ पर 1 इंच है, तो इसका साइज दोस्तों ये देखिए यहाँ इतना आ रहा है 16, आप समझ सकते हैं। और जहाँ पर अपना कट लगा है ना, मतलब 6 इंच और 2, आप मान के चलिए 7 इंच रखिए इसका साइज, लकड़ी का साइज, क्योंकि कटने पिटने में, या फिर 6.5 इंच रखिए, तो ये काफ़ी अच्छा साइज है। ये देखिए दोनों ठीक है, सेम है ना। और दोस्तों ये रहा अपना यहाँ पर कट, तो अपन इस कट का साइज नाप लेते हैं कि इस कट का साइज कहाँ तक कितना रखना है। ये रहा दोस्तों फिक्स 4 इंच पर आपको कट लगाने इस लकड़ी पर, यहाँ पर इन दोनों लकड़ी में 4-4 इंच पर कट लगाने हैं, ये देखिए, ताकि ये दोनों ऐसे बीच में ज्वाइंट हो जाएं। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि इस लकड़ी का साइज कितना रखना है और इसमें कट कहाँ लगाना है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पीवीसी पाइप की सीलिंग शॉट बनाएंगे, वो भी ऐसी क्रॉस वाली। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।